Good morning, student. Welcome back in Oxford Group of Institutions online video classes. This is the first topic of subject C language. Because we are shooting this video because the students asked me from the beginning. So that is why we have to shooting this. तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन. ये आपके सब्जेक्ट सी लैंग्वेज का पहला टॉपिक है क्योंकि आप लोगों ने पहले टॉपिक से मुझसे बोला था कि सर शुरू से पढ़ाइए. तो आइए शुरू करते हैं. तो पहला इसमें लिखा है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन. मॉडल मतलब होता है नमूना या एक तरीके से कह सकते हैं फ्रेम ऑफ कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन का मतलब होता है गणना करना, यानी कि किसी समस्या को गणना करने के लिए एक निश्चित दिया गया नमूना या फ्रेम जिसके माध्यम से दी गई समस्या को हम हल कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन. तो कंप्यूटेशन के बारे में कुछ हम थोड़ा थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं. आइए, लिखा है इन एन अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर वन हैज टू राइट स्टेप बाई स्टेप सॉल्यूशन यूजिंग सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन दस ऑब्टेन द रिजल्ट. डेफिनेशन भी हमारी क्या कह रही कि इन एन अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में, किस पर सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, कंप्यूटर पर. किसी भी यूजर, वो यूजर से मतलब है आपका प्रोग्रामर भी हो सकता है और स्टूडेंट भी हो सकता है, को स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरणबद्ध रूप से समस्या को जो भी सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सरल निर्देश होते हैं जो कि हम भी समझ सकें और कंप्यूटर को भी हम अपने आसानी से समझा सकें, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है जिससे कि हम अपना रिजल्ट जो कि हमारी समस्या से संबंधित रिजल्ट आना चाहिए वो हम रिजल्ट प्राप्त कर सकें. तो ऐसे प्रोसेसिंग करने को या ऐसा मॉडल जो कि इस तरीके की कंप्यूटेशन करता हो किसी समस्या की, वो हमारा कहलाता है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन. इसके लिए कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जो हमें विशेष रूप से जब हम ऐसा कर रहे हों तो हम उसको ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है. पहला पॉइंट है जैसे फॉर्मेटिंग द प्रॉब्लम एंड डिसाइडिंग द डेटा टाइप टू बी इनपुट. जब हम सी लैंग्वेज सब्जेक्ट में अपनी समस्या को माइंड में सेट करें तो उससे पहले हमें कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है कि सबसे पहले पहला डिसीजन से संबंधित ये है कि पहले तो समस्या को फॉर्मुलेट कर लो. फॉर्मुलेट का मतलब होता है चरणबद्ध रूप से समस्या को लिख लेना जिससे कि हम आसानी से जब इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे ये समस्या को कंप्यूटर पर चलाने के लिए तो वो इंस्ट्रक्शंस हमें लिखने में कोई दिक्कत ना हो और हम अपने कंप्यूटर को भी आसानी से बता सकें और वो हमारा कहना माने और हमें इच्छित परिणाम दे सकें. तो प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें फॉर्मुलेट करना है एंड डिसाइडिंग द डेटा टाइप टू बी इनपुट. और जिस प्रकार का डेटा लेना है, यानी समस्या हमारी मान लीजिए मैथ से संबंधित है तो हमें डेटा कैसा इनपुट करना है, इंटीजर टाइप का. और अगर हमारी समस्या स्ट्रिंग से रिलेटेड है यानी कि सरल भाषा में कहें टेक्स्ट से, तो हमें डेटा कैरेक्टर टाइप का लेना है. अगर बात करें कि दशमलव वाले नंबर्स की, जिनको हम इंग्लिश भाषा में रियल नंबर भी बोलते हैं, अगर ऐसा कोई हमें डेटा टाइप चाहिए या ऐसा कोई डेटा हमें जरूरत पड़ रहा है अपने कंप्यूटेशन में यानी गणना करने में, तो हमें वैसा डेटा टाइप लेना चाहिए. तो सीधा समझ में आया आपको कि सबसे पहले समस्या को फॉर्मुलेट कर लो और फिर डिसाइड करो कि आपको डेटा टाइप क्या चाहिए. आगे है आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशन दैट आर नेसेसरी फॉर गेटिंग सॉल्यूशन. तो हमें सबसे पहले उन स्टेप्स को पहचान लेना चाहिए जो हमारी समस्या के सरल करने के क्रम में गणना में सहयोगी हैं. उन हमें स्टेप्स को पहचानना चाहिए और जिससे कि हम अपना
जो इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद सॉल्यूशन पाने वाले हैं उसके हम नेसेसरी यानी कि आवश्यक जो भी चीजें हैं उनको करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकें। अगला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग डिसीजन पॉइंट्स ऑन विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। जब हमारी समस्या लिख रहे होंगे हम तो कई बार ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में जैसे मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी की पोजीशन बने तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए, या ए लेस देन बी की पोजीशन बने तो क्या होना चाहिए। तो ऐसी कभी कभी समस्याएं आती हैं तो हमें इनको भी माइंड में ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद में इनके डिसीजन पॉइंट होने पर ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होना है इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे है डी पॉइंट नोइंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड वेरीफाइंग विद एक्चुअल वैल्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 हम अपने कॉपी पे प्लस साइन से कर लेते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर पर अगर 2 और 2 4 हो रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट भी हमें मैच करना करके देखना चाहिए। अब आपके अगर जो टॉपिक है उसके हिसाब से बात करें तो बात ये है कि जो भी हम अपनी समस्या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस के रूप में लिखकर समझा रहे हैं, क्या उस समस्या को जो कंप्यूटर बाद में एग्जीक्यूट मतलब संचालित कर रहा है, चला रहा है, तो क्या जो रिजल्ट पैदा होना चाहिए, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। यदि हाँ तो हमें उस रिजल्ट को अपनी एक्चुअल वैल्यू से मिला के देखना चाहिए। अगर वो दोनों चीज़ें मैच हो गई हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर तो समझ लो कि हमारी समस्या का जो सॉल्यूशन या कंप्यूटेशन मॉडल तैयार हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन समझाए हैं आपके फर्स्ट टॉपिक के रूप में ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई समस्या आए तो आप हमसे क्वेरी करके पूछें। थैंक यू।